हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर, साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं अभी आपको एनसीईआरटी 10th क्लास का सॉल्यूशंस करवा रहा हूं, जिससे मैंने 5.2 5.1 करवा दिया, अब 5.3 करवा रहा हूं। तो इसके इस लेक्चर्स देखने से पहले आप इसके पहले वाले पार्ट, क्योंकि 5.3 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा चुका हूँ, 5.3 के मैं आगे का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो इसको देखने से पहले आप इसके पहले वाले आप लेक्चर देख सकते हैं। और मेरे चैनल या मेरे लेक्चर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से करें कि कैसा क्या लग रहा है। और अगर आपके तरफ से कोई चैप्टर की डिमांड है तो वो चैप्टर भी बता सकते हैं, मैं उस चैप्टर का लेक्चर्स पहले बना के आपको मैं डाल दूंगा। देखिए आगे क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th का, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द ए पी, हाउ मैनी टर्म्स मतलब आपको एन निकालना है, ऑफ द ए पी, ए पी क्या दे रखा है, 9, 17, 25 एज सोन, मस्ट बी टेकन टू गिव सम, सम दे रखा है आपका, दिस इज सम ऑफ nth टर्म दे रखा है 636। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a शुड बी 9, d आप निकाल लें 17 माइनस 9, तो इसको आप माइनस कीजिएगा तो d आ जाएगा आपका 8। अब आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, तो एन कितना है आपके पास, एन तो आपको खैर फाइंड आउट ही करना है, 2, सम दे रखा है 636, 2a, ए कितना है 9, तो ये हो जाएगा 18 प्लस एन माइनस वन डी शुड बी 8। तो एक काम करते हैं, 636 इंटू 2 इक्वल टू एन, अभी ब्रैकेट थोड़ा ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया 18 और एक माइनस 8 और प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगर इसमें से देखा जाए तो आपका 2 कॉमन निकल रहा है, तो 636 इंटू 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4n, ये हो जाएगा 5, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट। अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब आप इसमें लगा दें श्रीधराचार्य फॉर्मूला, माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए कितना है 4 है और सी शुड बी माइनस 636, ठीक है 2a, तो 2 इंटू 4। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा 12 एंड माइनस 53/4। अब आपको मालूम है कि n की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब n का फाइनल आंसर शुड बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, जब फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज आपका 400, तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो सम का सबसे बेस्ट फार्मूला आपके मालूम है कि एक फार्मूला आपको और बताया था, एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो सम दे रखा है आपके पास 400, एन निकालना है आपका, फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म है 45, 100 इक्वल टू एन बाई टू और ये हो जाएगा आपका 50, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 400 इंटू 2 अपॉन 50, तो एक जीरो से एक जीरो चलाएगा 5a8 हो जाएगा, दिस इज 16, तो n की वैल्यू आपकी आ गई 16। अब क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालिएगा, कॉमन डिफरेंस के लिए सम दे रखा है ना, तो सम का फॉर्मूला एक फर्स्ट वाला लगा देते हैं, एन वाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, तो सम तो क्या है आपका 400, n कितना है 16 बाई टू, ए कितना है 5, तो 10 हो गया और n तो 16 आ गया, तो 16 इज 15 डी, 2 से हो गया आपका 8, तो ये हो गया आपका 400 डिवाइडेड बाई 8, दिस इज 10 प्लस 15 डी, 8 से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 50, और 10 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू 15 डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 अपॉन 15, तो 5 3 जा 5 8 जा, तो आंसर शुड बी 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी,
फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 17 एंड लास्ट टर्म क्या है आपके पास 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन फाइंड आउट करना है और व्हाट विल बी देयर सम फाइंड आउट करना है। देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब आप ये फॉर्मूला तो शायद ही लगा सकते हैं क्योंकि इसमें एन भी निकालना और एस एन भी निकालना है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करें या ए एन एथ टर्म से करें, तो उसका फॉर्मूला लगा कर चेक करते हैं। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, तो लास्ट टर्म तो है आपके पास 350, ए है 17, एन अपने को मालूम नहीं है लेकिन डी मालूम है 9, तो क्या हो जाएगा 350 माइनस 17 अपॉन 9 इक्वल टू एन माइनस वन। अब इससे माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 333 अपॉन 9 इक्वल टू एन माइनस वन, तो 33 जा 9 3111 और 1 को इधर भेज देते हैं तो एन इक्वल टू दिस इज 3 प्लस 1, तो 3 ऊपर लिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 114 अपॉन 3। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ 38 तो आंसर शुड भी आ गया एन इक्वल टू 38। अब सम निकालना है तो सम के लिए अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सम के लिए एन हो गया आपके पास 38 बाई टू, फर्स्ट टर्म है आपका 17 एंड लास्ट टर्म शुड बी 350, तो ये हो गया आपका 19, दिस इज 19 और ये दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो गया आपके पास 763। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल आंसर हो जाएगा 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना, विच कॉमन डिफरेंस दे रखा है 7 एंड 22 टर्म्स दे रखा है 149। तो लगाते हैं 22 टर्म्स का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन और एन कितना है 22, तो 21d, तो ए तो दे रखा है 149, ए अपने को फाइंड आउट कर सकते हैं 21 और डी शुड बी 7, तो 149 इक्वल टू ए प्लस 147, तो ए इक्वल टू 149 माइनस 147, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 2, ए 2 आ गया, डी मालूम है एन भी मालूम है, तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं एन बाई टू 22 बाई टू 2a, ए तो अभी आपने निकाला 2 एन एन माइनस 1 तो मतलब हो गया 21 और डी कितना आया आपके पास 7, तो ये हो गया आपके पास 11, दिस इज 4 प्लस 7 और 147, दिस इज 11 इंटू कितना हो गया आपके पास 151। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए शुड बी 1661। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स का सम निकालना है, हुज सेकंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगा देते ए प्लस एन माइनस वन, तो 2 माइनस 1 1 डी, ये हो गया फर्स्ट। अब इसमें लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2d, दिस इज सेकंड। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 18 एंड a प्लस डी इक्वल टू 14। सॉल्व किया माइनस माइनस माइनस, a कैंसिल आउट, 2d में से d गया d और a बच गया आपका 4, तो d आ गया आपके 4। अब इस d की वैल्यू आप कहीं भी रख दें, फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें आपकी इच्छा। तो अगर मैं फर्स्ट में रखता हूँ d की वैल्यू, तो 14 इक्वल टू ए प्लस डी की वैल्यू 4, तो ए की वैल्यू 14 माइनस 4 10। अब सम कितना निकालना है 51 टर्म का, तो 51 टर्म का एन वाई टू, तो एन तो आपके पास मालूम, एन आपके पास मालूम है 51 बाई टू और दिस इज 2a, ए अभी आपने निकाल चुके हैं 10 प्लस एन माइनस 1, तो 51 माइनस 1 50 और डी शुड बी 4, तो ये क्या हो जाएगा 51 बाई टू इंटू ये हो जाएगा आपके पास 20 और प्लस
200. This is 51 by 2 into 220. This is 110. अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाए 5613. देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म ऑफ एपी इज 49, डेट ऑफ 17 टर्म्स, सम ऑफ 17 टर्म इज 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालना है. लगा देते हैं सम का फॉर्मूला. तो यहाँ का एन बाई टू, सेवन बाई टू, टू ए, एन तो मालूम है सेवन है, तो हो जाएगा आपके पास 6b. अब क्या होगा यहाँ से 49 इक्वल टू 7/2, और यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में हो गया a प्लस 3d. तो 2 से 2 कट गया और 7 से 7 कट जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7. अब देखिए इसमें करते हैं 289 इक्वल टू n बाय 2, मतलब 17/2, 2a, n माइनस 1 होता है फॉर्मूला 17, तो n माइनस 1 16, डी. यहाँ से भी क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर भी आपके क्या है कि 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये अंदर बच जाएगा a प्लस 8d. ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट और 17 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो आ जाएगा आपके पास 17. तो ये आ गया 17 इक्वल टू a प्लस 8d. दिस इज सेकंड. अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 17. दोनों को माइनस किया तो a कैंसिल आउट, यहाँ आ गया माइनस 5d और यहाँ आ जाएगा माइनस 10, मतलब d इक्वल टू तो आ गया आपके पास 2. इस d की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में कहीं रख देते हैं, मैं सेकंड में रख देता हूँ. 17 इक्वल टू a, d की वैल्यू 2 है तो दिस इज 16, तो a इक्वल टू 17 में से 16 गया 1, a की वैल्यू आपके पास आ गई. आपको nth टर्म का सम निकालना है तो nth टर्म का सम हो जाएगा आपका फर्स्ट n टर्म n बाई 2, 2a, a कितना है 1 प्लस n माइनस 1, d शुड बी 2, तो हो जाएगा आपके पास n बाई 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये क्या आ जाएगा 2 से 2 गया और 2 से 2 गया, दिस इज n स्क्वायर सम, दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो दैट दीज आर इन AP वेयर an इज डिफाइंड, दे रखा है और अगर ये AP में हो तो उसका आपको सम निकालना है. तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास an इक्वल टू 3 प्लस 4n, तो यहाँ n की जगह पर 1 रखा तो 1, तो हो गया 7. a2 निकाला तो a2 एक n की प्लेस पे 2 रखा तो 4 2 8, 8 और 3 कितना हो गया 11. तो एक और टर्म निकाल लेते हैं a3, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 3 है ही प्लस 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, 12 और 3 हो जाएगा 15. अब इसको आप माइनस करके देख लीजिए तो 11 माइनस 7 दिस इज 4 हो गया और 15 माइनस 11 दिस इज आल्सो 4, मतलब डी कॉमन डिफरेंस आपका 4 हो गया, मतलब दिस इज AP. क्या है आपका, दिस इज AP में है, एक काम तो हो गया. अब कह रहा है कि AP है तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म निकालना है, 15 टर्म, सम ऑफ 15 टर्म निकालना है, तो n बराबर 15 रख दिया. तो सम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, दिस इज 15 बाई 2, 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म तो 7 है प्लस 15 माइनस 1 14 और कॉमन डिफरेंस शुड बी 4, तो a क्या हो जाएगा 15 बाई 2, a हो जाएगा आपके पास 14 और a हो जाएगा a हो जाएगा 56. दिस इज 15 बाई 2 इंटू दिस इज 17, ये 35. अब आप क्या कीजिए, 35 और 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर शुड बी 525. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, सेकंड करते हैं इसमें. तो अगर मैं इसमें 1 रख दिया तो 9 माइनस 5 दिस इज 4 आ गया, a2 रखा 9 माइनस 2 10, ये आ गया आपके पास माइनस 1, a3 9 माइनस 15 तो 9 माइनस 15 तो ये हो गया आपके पास माइनस 6,
अब देख लेते हैं कि एपी में है कि नहीं। दिस माइनस दिस क्या, माइनस वन माइनस फोर ये क्या आ जाएगा, माइनस फाइव। अब सिक्स में से वन को माइनस कर देते हैं तो माइनस सिक्स माइनस प्लस वन दिस इज माइनस फाइव, तब क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मतलब ये भी आपका एपी में होगा। यस एपी में होगा। अब 15 टर्म्स का सम निकालना है तो एन इक्वल टू 15 रख दीजिए, तो सम ऑफ 15 टर्म्स कितना हो जाएगा, 15 बाय टू टू ए, तो ए कितना है आपके पास 4 प्लस एन माइनस वन, और एन 15 है तो ये हो जाएगा 14, और डी तो आपने निकाल ही लिया है माइनस फाइव, तो दिस इज हो जाएगा 15 बाय टू, ये हो जाएगा आपके पास 8, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 17। तो अब दोनों को क्या कीजिए, आप माइनस कर दीजिए, तो 8 में से माइनस 70 गया तो ये बच गया माइनस 62। अब 2 से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 और 31 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर शुड बी 465। ये मैंने 5.3 के कुछ क्वेश्चंस करवाए, नेक्स्ट क्लास में इसके मैं और भी आगे के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और आप कमेंट में अपने चैप्टर दे सकते हैं, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं उसके लेक्चर पहले बना के आपको डाल दूंगा।